ये देखो मिल गई बोला और मिली। मेरे लिए प्रॉब्लम है क्या विशाल? अरे थोड़ा टायर वैसा है, वैसे हाइट से डर लगता है। फिर तो बड़ी गलत जगह खड़े हो। हाँ वही तो कह रहा हूँ। 14,000 ऑल्टीट्यूड है। तो आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में अगर चीचम बिल्ली नहीं देखा तो देख लो, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है उसके लिए। और आगे का अब हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री और किब्बर। जी दोस्तों, अरे अभी ठोकता तेरे को, क्या बात है क्या बात है, ये देखो नज़ारे। और किसी का मन करेगा कि यार एक बार रुक के अच्छे से फोटो ले लें, निहार लें इन जगहों को। ये ऐसे चढ़ाई आती है और सामने बादल, ऐसा लगता है हम बादल में घुसने वाले हैं। वाह वाह। तो 2.5 किलोमीटर है अपना चीचम ब्रिज से किब्बर, ज़्यादा लंबा नहीं है। ऊपर को एक दूसरा रोड गया हुआ है वहीं से। हाँ ज्यादा नहीं है, 2-3 से अपना कीवर विलेज। तो रास्ते यहाँ कच्चे हैं, स्नो भी गिरी हुई है रास्ते में, ज्यादा ही हुआ था स्नोफॉल। तो आराम आगे जानी पड़ेगी बाइक बिल्कुल आराम से। और ये आते तुम्हें भैंस दिखाओ, ये भैंस स्पीति के बैल है, याक बैल है, याक है, याक याक नहीं है, क्या है अंकल ये? हल चलाने के लिए है ये। चलो वो डर रहा है, चलो भाई डर रहा है, चलो 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 आगे चलो। किब्बर का हॉस्पिटल है ये, वो पहिया ऑफ रोडिंग नहीं है ना। हेलो भैया, मेरा ऑफ रोडिंग नहीं है ना यार बिल्कुल, इसलिए स्पीड हो रही है। ये देखो मिल गई बोला और मिली। मेरे लिए प्रॉब्लम है क्या विशाल? अरे थोड़ा टायर वैसा है ना यार, जबरदस्त। चीचम किब्बर रोड है ये, आपने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को। ये बुद्धा का टेंपल है किब्बर गांव में, और व्यू देखो दोस्तों क्या बात है ना। चलते हैं दोस्तों की मिनिस्ट्री, बहुत ही शानदार व्यू। वैसे तो आपने पूरे सीरीज में बहुत ही शानदार व्यू देखे ही हो, क्या बोले है कि नहीं। जी लो दोस्तों, आ गए हम की मोनेस्ट्री, हम मिलते हैं मैन कैमरे से। मेरे साथ ही पहले आ गए थे, मैं पीछे से थोड़ा कैमरे वैमरे का एंगल ले रहा था। एंड ये मोनेस्ट्री है, वो लोग अंदर गए हुए हैं। और मोनेस्ट्री लगभग सभी सेम होती हैं, सो इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो सभी अंदर गए हुए हैं, मैं भी चलता ही हूँ। ओह माय गॉड, ये व्यू देख रही वाला पहाड़, शुरू से होटल रूम से मतलब हमारे होम स्टे से और यहाँ तक बिल्कुल साथ है। देखो देखो ये फिसलने का है, बर्फ देख रहे हो, कभी भी फिसल से पता नहीं जूता पहन के गए हैं या नहीं, या जूता पहन के जाना नहीं, बोर्ड भी नहीं लगाए कहीं पे।
यहाँ आगे ना एक अलग सी शांति मिलती है, पर लगता है कुछ घंटों तो बैठ के जाओ। ऊपर है ना शूज उतारने का। ठीक, पहन के आ जा। I was little bit late. लोकल जड़ी बूटी। आप लोग इधर फिल्मों में दिखाते थे, एक मैंने एक फिल्म देखी थी, एक मॉन्क थे है ना, उन्होंने 20-21 मतलब हमारे पीढ़ी तक वो जिंदा था जवान। की मोनेस्ट्री के टॉप पे आ गए हम लोग, देखो कुछ ऐसा है, बहुत ही शानदार सीन। ओह माय गॉड, आई एम सो लकी टू बी हियर, असल में आज यहाँ हूँ। आप सबको भी आना चाहिए एक बार और एक देखना चाहिए यहाँ की सभ्यता क्या है क्या नहीं है। हम लोग को काढ़ा चाय और ये दिए, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ और मिलते हैं किसी न्यू व्लॉग न्यू वीडियो में। चैनल पे नए थे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। और ये मोनेस्ट्री की मोनेस्ट्री और मैंने आपको किब्बर गांव दिखाया इस व्लॉग में, तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना प्लीज़। हम लोग जा रहे हैं दोस्तों लांगजार कॉमिक और एक किंडी, लेट्स सी। मतलब टोटल अनप्लान, हमारे आधे मेरे को और विशाल को पता नहीं था कि जाएंगे, पहले पेट्रोल भराने का प्लान था तो हमने तो पेट्रोल भरवा लिया बड़े आसानी से, लेकिन बाकी जो है वो दोनों हमारे टीम मोनेस्ट्री से उन्होंने डायरेक्टली राइट लेके और ऊपर चढ़े थे। तो दोस्तों लांगचा का जो रास्ता है ना, मुझे तो अब तक का मोस्ट डेंजरस रोड लगा। और वो पहाड़ देखो, हम नीचे से ऊपर देख रहे थे, अब हमारे बराबर आ गए, मतलब हम काफ़ी ऊंचाई से आ गए हम। दोस्तों लांगजा वाकई में बहुत ऊंचाई पे है, और अगर आप स्पीति आते हो ना तो लांगजा के लिए थोड़ा सा जल्दी निकलो। जैसे हम लोग अभी 1:15 हो रहे हैं, तो आप भी 12 बजे अपने होटल से लुक जाओ काजा से आ रहे हो तो, और काजा से करीब पड़ जाता है 16-17 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये, पूरे ऐसे ही रोड है। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हो ना सामने वाइट वाले स्नो से भरा हुआ, ये नीचे से छोटा दिखता है, जब आप लांगजा यहाँ आ जाते हो टॉप पे तो वो आपको बराबर दिखने लग जाता है। लो जी ये दिखा लांगजा का बोर्ड, ये लांगजा गांव होगा, छोटे मोटे पेक्का दुक्का घर है, बहुत ऊंचाई पे ये तो बच गया। और तुम्हारे सांस नहीं मिल रही बाइक को लगता है। क्या हुआ? धीरे चलना धीरे, उल्टा ले आए भाई। वो देखो दूर लांगचा, उसी को बोलते हैं जो गौतम बुद्ध का मूर्ति है एकदम पहाड़ पे बीचों बीच, उसी को लांगचा बोलते हैं। तो दोस्तों लांगचा के लिए ये बहुत ही ऑफ रोड वाला रोड है, हाँ। और इसका जो रास्ता है ना थोड़ा ऐसा घुमाऊ है कि आपको दूर से बस वो मंदिर जो टेंपल है गौतम बुद्ध का वही दिखेगा, तो आपको अंदाज़ा लगाना है कौन सा रोड जा रहा है, नहीं तो आप घूमोगे ऐसे ही। जैसे विशाल 2-3 बार अलग अलग रास्ते में भटक गया, और मैं तो विशाल से 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वो देखो अभी मुड़ रहा हूँ वहाँ पे। हाँ, मेरा जो पेन है ना, मेरा हाफ सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, और यहाँ पे आप हवा देख रहे हो, मेरे फ्लैग से पता कर सकते हो
और टेम्परेचर भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा नीचे है। ओह गॉड, रोड देखो। चलो एटलीस्ट पानी नहीं है, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत। बर्फ़ नहीं है कम से कम, वरना भाई बर्फ़ में लांगचा आ पाना इम्पॉसिबल होता। देख रहा हूँ आगे का ब्रेक लगाऊं, पीछे का लगाऊं, कहाँ का लगाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। ओहो, लांगचा 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 पंचा, एक नया किताब में हमारी नई एंट्री होने जा रही है। लांगचा वो है रास्ता कहाँ थे लांगचा का, ट्रैकिंग भी है बाइक भी है, तो बाइक तो जा रही है ना लोगों की। कौन सा रोड है भाई, कहाँ बोला यार। सो फाइनली दोस्तों, दिस इज माय बाइक एंड दिस इज लांगचा, बुद्धा स्टेच्यू ऑफ लांगचा, 35 feet, 14,300 feet। बहुत तेज हवा चल रही है एकदम, मेरे तो एक तो आँखों की दिक्कत, चश्मा, और यहाँ पे वेदर कभी भी चेंज हो जाता है यार, ऐसा हिम्मत नहीं हो रही हेलमेट खोलने की। चाय बन रही है भाई लोग, ओट्स बन रहे हैं, ओट्स अभी हमने सूप पिया, ओट्स पी रहे पियो यार, बहुत बढ़िया। अब इधर से आए किधर से आए आप लोग, इस वाले से, ये रूट है क्या फालतू में घूम के ना पूरा। अच्छा आप लोगों ने बहुत शॉर्टकट ले लिया ना। अच्छा मैं गांव के अंदर से आया हूं, तुम पूरा घूम के, बस शॉर्टकट क्या रास्ता दिख रहा था, धीरे 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 आ गया। मेरे को वैसे हाइट से डर लगता है, तो बड़ी जगह खड़े हो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, 2000 ऑल्टीट्यूड है मेरे लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है। अकेले आए हो? ना साथ ही है, तो वो लोग वो यहीं के है ना लोकल, वो फास्ट चलाते बाइक। दिल्ली से आप लोग भी? मैं नोएडा से हूँ। स्टेचू में लिखा है ड्रोन से फोटो खींचने पर 1000 का जुर्माना। आओ गया, गिर कैसे गया ये? चलो चलो, अच्छा शांति कैफे भी है यहाँ पे। चलो जी, तो दोस्तों हम लोग लांगचा से निकल चुके हैं और कोबिक है कोई जगह, लास्ट विलेज है, हाईएस्ट विलेज है गाजा में, लाहौल स्पीति में, वहाँ जा रहे हैं। ओ गॉड, नहीं दिख रहा मेरे को चश्मा। तो फिर भी भाई न्यू
न्यूट्रल हो गई थी गाड़ी एकदम चढ़ाए थे बच गई और न्यूट्रल हो गई थी गाड़ी चढ़ाए थे बच गई। नाक बंद करना पड़ेगा, चश्मा निकालना पड़ेगा लगता है। यहाँ तो रोड बहुत अच्छा है।